ये वाला जो है उसके लिए मैंने नाम याद रहेगा नहीं ब्रह्मी को इसको समझ नहीं आएगी कुछ उसको बोल जाता है ना थोड़ा दिया तो आप ही नहीं आओगे फिर मैम आज हम कल हमारा धन्वंतरी डे है आयुर्वेदा डे 8वां जो हम लोग एक कैंप के रूप में मना रहे हैं और सबसे पहले मैं नेक मोहम्मद जी का जो सोशल एक्टिविस्ट हैं और यहाँ की गर्ल्स हॉस्टल की वार्डन मैम का थैंक्स करती हूँ और बाकी स्टाफ का भी जिन्होंने हम लोगों को ये कैंप ऑर्गेनाइज़ करने का मौका दिया जिसमें हम लोग ये फ्री मेडिसिन जो है वो बच्चों को बांट रहे हैं ताकि बहुत मतलब ये मेडिसिन का जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे ये फ़ायदा ले सकें और इसका लुत्फ उठा सकें। मैं नेक मोहम्मद सोशल एक्टिविस्ट वार्ड नंबर 6। आज मैम हमने एक कैंप किया है यहाँ पे ऑर्गेनाइज आयुष डिपार्टमेंट की तरफ से। पहले तो हम शुक्रगुजार हैं डॉक्टर मोहन सिंह जी डायरेक्टर डॉक्टर मोहन सिंह जी का। उसके बाद हम अपनी मैडम विशाली डॉक्टर विशाली मैडम जो कि गुजनगर डिस्पेंसरी में मेडिकल ऑफिसर हैं इंचार्ज हैं वहाँ पे। उसके बाद हम शुक्रगुजार हैं जिन्होंने यहाँ पे सारा कैंप का जो है यहाँ पे इंतज़ाम किया हमारी वार्डन जो हैं करीम फातिमा जी जिन्होंने यहाँ सारा जो हमारे लिए यहाँ पे इंतज़ाम किया और इस कैंप को ऑर्गेनाइज़ करवाने में हमारी पूरी तरह से हेल्प की। तो हमारी यही कोशिश रहेगी कि जो निडी बच्चे जितने भी यहाँ पे थे हमने यहाँ पे इनको मेडिसिन फ्री में बिल्कुल डिस्ट्रीब्यूट किए हैं और जितना भी इनका स्टाफ था गुजर एंड बकरवाल हॉस्टल का जितना स्टाफ था उनको भी हमने यहाँ पे फ्री में मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूट की हैं। तो हमारी नेक्स्ट भी कोशिश यही रहेगी कि हम फिर से जब वार्डन को हमारी यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी तो हम यहाँ पे और भी मेडिकल कैंप ऑर्गेनाइज़ करवाने की पूरी कोशिश करेंगे।